जरा आपको लेकर चलते हैं बिहार, पटना। वहां पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं और नीट पेपर रद्द हो इसी की मांग करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। क्या प्रकाश कुमार? बिल्कुल रोमाना, जो हमारे साथ हैं शरबत जहां फातिमा हैं, जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, ये बताइए कि आप लोग सड़क पर उतर गई हैं पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर, क्या मुख्य मांग है, क्या लगता है कि मांग मानी जाएगी? न्याय, सिर्फ न्याय, बच्चों के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय। जिस तरह से हमारे नेता ने कहा था अभी इलेक्शन के टाइम में कि युवाओं को न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, तो आज युवाओं को न्याय दिलाने का समय है। 24 लाख बच्चे जो बहुत मेहनत करके मेडिकल का एग्ज़ाम देने आते हैं, बहुत सपना सजोए हुए कि वो एक अच्छे कामयाब डॉक्टर बनेंगे, उनके साथ ये ज्यादती हुई है, उन मासूम बच्चों के साथ, उस वो मेहनतकश पेरेंट्स के साथ। तो हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, हमारी ज़िला यूनिट, ब्लॉक यूनिट से लेकर के दिल्ली यूनिट तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। ये संघर्ष है रोमाना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जेडीयू ने भी मांग रख दी है, और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि नीट परीक्षा जो हुई है इसमें धांधली हुई है, प्रश्न पत्र लीक हुआ है, बाकायदा इसे रद्द करने की मांग हो रही है। तो जाहिर है कि अब बिहार में भी जेडीयू और कांग्रेस के सुर मिल रहे हैं नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर के। तो क्या ये दबाव केंद्र में जो शिक्षा मंत्री हैं उसमें दबाव में आएंगे, क्या नीट परीक्षा को रद्द की जाएगी, दोबारा परीक्षा लिए जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल आज के दिन में यही है। हमें कई फोन कॉल आ रहे हैं जिसमें सवाल यही पूछा जा रहा है क्या रद्द होगा या नहीं रद्द होगा। बीच प्रकाश कुमार जरा ये भी बताइए कि जिस तरीके से बिहार में ये पूरा का पूरा जो नीट में गड़बड़ियों का मामला सामने आया, और इसको लेकर खासतौर से डिप्टी सीएम बिहार के बीजेपी से आते हैं विजय सिन्हा, उनकी तरफ से सीधे निशाने पर तेजस्वी यादव के पीएस जिसने कमरा बुक कराया था इस आरोपी के लिए, उसके जरिए तेजस्वी यादव पर वार किया गया, वो सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल रोमाना, बहुत सही सवाल है, क्योंकि ये पूरे मामले में दो पहलू हैं, एक प्रश्न पत्र लीक जिसमें माफिया है, और दूसरा जो माफिया को संरक्षण दे रहा है जिसमें तेजस्वी पर भी आंच आई है। हम सीधे शर्मा जहां से ही सवाल लेते हैं, आपके जो बिहार में नेता हैं गठबंधन के तेजस्वी यादव पर सवाल उठ रहा है कि उनके पीएस जो बिहार प्रशासनिक सेवा के हैं उनकी साठगांठ थी सिकंदर यदुवंदी से, जो खुद इस मामले में शरीक हैं और संलिप्तता है, तो आपको लगता है कि आपके नेता पर भी आंच उछ रही है? केंद्र में उनकी सरकार, प्रदेश में उनकी सरकार, जांच करा ले, अगर इल्जाम लगाया है तो जांच, इल्जाम नहीं, बाकायदा उसके प्रूफ दिए गए, प्रमाण दिए गए, प्रमाण दिए गए हैं, जांच कराइए, अरेस्टिंग कीजिए, कार्रवाई कीजिए। अगर आंच आई है तो उसको दूध का दूध, पानी का पानी ला करके जनता के सामने रखना होगा ना। लेकिन तेजस्वी जी को भी तो सफाई देनी चाहिए कि उनके पीएसएस में इन्वॉल्व है या नहीं। तेजस्वी जी को सफाई तब देनी पड़ेगी जब सारी चीजें सामने आ जाएगी, अरेस्टिंग हो जाएगी सब प्रूफ के साथ। सिर्फ कह देने से नहीं होता या इल्जाम लगा देने से नहीं होता। ये तो यूयू जांच कर रही है ना, ये कोई एजेंसी जांच कर रही है, जो जांच एजेंसी, ओ एजेंसी, हमने क्या कहा कि सब कुछ केंद्र में उनकी सरकार, प्रदेश में उनकी सरकार, तो वो जांच कराए, जो भी सामने आएगा उसके साथ हम लोग खड़े हुए। तेजस्वी का नाम आ रहा है इसमें, आप लोगों को लग रहा है कि कुछ गलती हो रही है? का नाम आ नहीं रहा है, नाम लाया जा रहा है। प्रकाश कुमार, जांच कराइए ना, हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। ये जो मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है बिहार में, कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, जांच कराइए, जो दोषी है उस पर एक्शन लीजिए। सवाल यहां पर ये उठता है कि विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार के, कल वो सामने आते हैं, वो तेजस्वी पर निशाना साधते हैं, किसके जरिए? प्रीतम के जरिए। प्रीतम कौन है? तेजस्वी के पीएस हैं। लेकिन प्रीतम तेजस्वी के जो पीएस हैं वो तो सरकार की तरफ से ही नियुक्त है ना, वो तो बिहार प्रशासनिक सेवा के ही अधिकारी है ना, तो इस पर एक्शन तो बिहार सरकार को पहले ले लेना चाहिए ना। ये जो मांग की जा रही है कि साहब तेजस्वी यादव एक्शन लें, फिर तो यही सवाल पूछा जाएगा, राजनीतिक खेल खेला जा रहा है क्या? अपनी जान बचाने के लिए तेजस्वी यादव को का चेहरा आगे किया जा रहा है क्या? देखिए एक बात तो तय है रोमाना, कि इस मामले में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ है, इस मामले में 3 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है, और ये तीनों जो है वो RCD यानी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, जिसके की चीफ, जिसके मुखिया खुद विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, तो मंत्री होने के नाते उन्होंने 3 पर कार्रवाई कर दी। लेकिन ये बिहार प्रशासनिक सेवा के जो प्रीतम है, इनके खिलाफ जो जांच हो रही है, पूछताछ होगी, तो हो सकता है कि ये जांच जो है उनकी गिरफ्तारी तक जा सकती है। लेकिन पहले ईओयू के सामने जो मामला आया है
उसको देखना होगा कि यूयू किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाती है। और दूसरी बड़ी और अहम खबर है कि 25 जून को पटना की अदालत में यहाँ पर सिविल कोर्ट में ये अगली सुनवाई होगी और कोर्ट ने बाकायदा केस डायरी मांग लिया है जो NH गेस्ट हाउस को लेकर के है। तो दो प्रक्रियाएं एक साथ चल रही है, एक कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में और दूसरी इन्वेस्टिगेशन। तो देखना होगा कि कैसे आगे बढ़ता है मामला और कहां तक पहुंचता है। कल जब मैं इसी मुद्दे को लेकर चर्चा कर रही थी तो मैंने यही सवाल पूछा, जेडीयू की नेता हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने यही जवाब दिया कि साहब ईयू ने बुला लिया है प्रीतम को भी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। मेरा सवाल दरअसल इसी ओर रेखांकित करने के लिए था कि साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और ईओयू उसी शख्स को लेकर जिसको लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना तेजस्वी यादव पर साध रहे हैं जो नेता विपक्ष है, उसे अभी बुलाएगी, उससे अभी पूछताछ करेगी। और ये जो भी आपने जानकारी दी कि साहब जो डेप्यूटी सीएम है विजय सिन्हा, उनके विभाग के अंतर्गत आने वाले ये तीन लोग जिनको उन्होंने सस्पेंड भी किया है, ये मामला तो कमरा गलत तरीके से बुक कराने के मामले में सस्पेंशन हुआ है ना, इसका पेपर लीक से सीधा तो कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी जरा क्लैरिटी दीजिए। जी हाँ बिल्कुल रोमाना, देखिए दो पहलू है इस पूरे प्रकरण में। एक पहलू यह है कि जो प्रश्न पत्र लीक कराए गए हैं, जो माफिया इन्वॉल्व हैं, जो लोग जो सॉल्वर गैंग गिरोह इसमें इन्वॉल्व है, उनकी एक अलग जांच चल रही है जिसका कि ईओयू जांच कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि इस प्रक्रिया में कौन वैसे शख्स लोग थे जिन लोगों ने संरक्षण दिया, इस प्रश्न पत्र लीक के माफियाओं के साथ इसके साठगांठ थे, क्या उसमें प्रश्न पत्र लीक मामले में उन लोगों तक भी बात पहुंचेगी जिन लोगों ने संरक्षण दिया, क्या उनके बच्चे भी इसमें शामिल थे इस परीक्षा में, या उनके कोई रिलेटिव शामिल थे? तो अगर वो शामिल थे, अगर प्रीतम कुमार के कहीं से भी इस तरह के रिश्ते नज़र में आएंगे तो जाहिर है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल साठ गांठ और संरक्षण दिए जाने के मामले में तेजस्वी यादव के PS वो इसमें संलिप्तता में सामने बातें आ गई हैं, बाकायदा प्रमाण दिए गए हैं डिप्टी CM की तरफ से। और ये देखना होगा कि ये जो प्रमाण दिए गए हैं इस पर आगे किस तरह से EOU जांच करती है। प्रीतम कुमार से बातचीत और जांच के दौरान दूं कि वो कमरा बुक कराने को लेकर वो प्रमाण है जो सामने आए हैं, और ऐसे में एक तरफ मामला गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराने का, दूसरी तरफ मामला पेपर लीक का जिसको लेकर करीब 24 लाख के आसपास छात्र हैं जिनका भविष्य यहां पर दांव पर लगा हुआ है। नीट की परीक्षा रद्द हो, ये छात्रों की तरफ से सीधे तौर पर मांग की जा रही है। पेपर लीक के ही आधार बनाकर जब नेट UGC की परीक्षा 24 घंटे के भीतर भीतर रद्द की जा सकती है तो फिर नीट की परीक्षा अब तक रद्द क्यों नहीं की जा रही, जबकि उसमें एक के बाद एक इतनी अनियमितताएं सामने आ गई है। पेपर लीक के सबूत NDA की सरकार है बिहार में, और वहां पर जो EOU जांच कर रहा है उसी को मिल गए हैं। जो आरोपी है उसने खुद कबूल कर लिया है कि हाँ उसने पेपर लीक करवाया, फिर भी अभी तक परीक्षा रद्द नहीं है। इसी वजह से ये मामला सियासी तौर पर इतना गर्मा रहा है, इसीलिए विपक्ष को सीधे एक तरीके से कहें तो सत्ता पक्ष की तरफ से थाली में परोसकर मुद्दा दे दिया गया है कि आइए हम पर हमला कीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।